नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। खबर दोपहर में आज क्या क्या खबरें हैं रुक कर लेते हैं। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। आलाकमानों की लाख कोशिशों के बाद भी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले खबर आई थी कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर सुलह करवा दी जाएगी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये मंजूर नहीं है, इसीलिए पेच एक बार फिर से फंसे हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि कैप्टन ने सोनिया गांधी को एक और चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जताई है। इस बीच खबर यह भी है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ में कैप्टन से मुलाकात कर कलह खत्म कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो बता दें, पंजाब में लगातार सियासी उठापटक का दौर जारी है और ये उठापटक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और हाल ही में आज हरीश रावत चंडीगढ़ भी पहुंचे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि कैप्टन और सिद्धू के बीच हरीश रावत सुलह करा सकते हैं। हालांकि कल सिद्धू सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली भी पहुंचे थे। वहीं अमरिंदर सिंह की तरफ से सोनिया गांधी को एक पत्र भी लिखा गया था। हालांकि पत्र में सोनिया गांधी को उन्होंने नाराजगी जताई थी, लेकिन अभी तक पंजाब कांग्रेस में कलह जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान के कंधार में पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। अब उनका शव तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस समिति ICRC को सौंप दिया है। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि तालिबान द्वारा रेडक्रॉस समिति को शव सौंपे जाने की सूचना भारत को दे दी गई है और भारतीय अधिकारी पत्रकार के शव को वापस लेने के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि सिद्दीकी की शुक्रवार को कंधार में तब मारे गए वो जब तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच चल रही लड़ाई की कवरेज कर रहे थे। इस संबंध में एक और सूत्र ने कहा है कि हमें सूचना मिली है कि तालिबान ने शव ICRC को सौंप दिया है। हम अफगान अधिकारियों और ICRC के साथ मिलकर शव को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके परिवार वालों को उनके शव के भारत आने का इंतजार है। परिवार के लोगों को उम्मीद है कि भारत सरकार उनका शव लाने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है। तो बता दें, कल दानिश सिद्दीकी भारत पत्रकार की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके शव को भारत लाने की कवायद अब तेज हो गई है। हालांकि परिवार की को भी उम्मीद है भारत सरकार उनका शव वापस लाने में पूरी मदद करेगी और हर संभव मदद परिवार की भारत सरकार करेगी। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया कोविड-19 की तीसरी लहर की ओर बढ़ रही है और हम भी इसका शिकार हो सकते हैं, इसीलिए अगले 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी ये कोरोना नियमों के पालन करने और वैक्सीनेशन पर निर्भर करता है। बता दें कि कोरोना के खतरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चेतावनी दे चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। कोरोना के मामले में नीदरलैंड में 300% और अफ्रीका में 50% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि तीसरी लहर के बारे में बार बार बात होती है, हमारे लोग इसका शिकार हो सकते हैं, लेकिन तीसरी लहर नहीं आए ये भी संभव है। ये हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है, साथ ही कोरोना नियमों का पालन भी हमें करते रहना चाहिए। तो बता दें, लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की जा रही है कोरोना की तीसरी लहर को लेकर, और अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हम पहले ही तीसरी लहर में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में 100 से 125 दिन कोरोना की तीसरी लहर के देखते हुए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि जिन्हें डर लग रहा है कि वो जा सकते हैं, बीजेपी डर दिखाकर ही लोगों को अपने साथ करती है। जो निडर हैं वो कांग्रेस में नहीं हैं, तो भी उनका पार्टी में स्वागत है। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स की वर्चुअल मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी डर दिखाकर ही अपने साथ लोगों को करती है, जिन्हें डर लग रहा है वो जा सकते हैं। वैसे जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं वो आरएसएस के लोग ही थे। साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की फेक न्यूज से डरने की जरूरत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन पर अच्छा काम किया है तो इस पर हंसने की जरूरत है। पीएम अगर कहते हैं कि भारत के क्षेत्र में चीन नहीं घुसा है तो भी उन पर हंसिए। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, और बीजेपी लोगों को डरा कर ही पार्टी में शामिल करती है, और तमाम आरोप राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी सरकार पर लगाए गए। तो बता दें, राहुल गांधी ने कहा है कि पार्टी छोड़कर जो लोग गए हैं वो पहले से ही आरएसएस के थे, और राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। हालांकि इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए थे, और एक बार फिर से राहुल गांधी ने कड़े लफ्जों में कहा है कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकते हैं, और बीजेपी सिर्फ लोगों को डराकर ही पार्टी में शामिल करती है, और जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो पहले से ही आरएसएस के थे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन पर अच्छा काम किया है तो इस पर हंसने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम अगर कहते हैं कि भारत के क्षेत्र में चीन नहीं घुसा है तो उन पर भी हंसिए। तो बता दें, राहुल गांधी की तरफ से लगातार बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जाइए, बीजेपी अक्सर लोगों को डराकर अपनी पार्टी में शामिल करती है। लखनऊ पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने आए राजस्थान के स्थायी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। जानकारी के मुताबिक ये अभ्यर्थी दोपहर से ही यूपी कांग्रेस के दफ्तर पर प्रियंका गांधी से मुलाकात करके अपनी बात कहने के लिए खड़े थे, लेकिन देर शाम प्रियंका गांधी बैठक खत्म करने के बाद अभ्यर्थियों से बिना मिले ही कार्यालय से निकल गई। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। राजस्थान में 1,00,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं, इसके साथ ही 2.5 साल से परीक्षाएं टल रही हैं। इसी को लेकर राजस्थान के बेरोजगार छात्र उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी से अपनी तकलीफ बताने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। राजस्थान के छात्रों का आरोप है कि उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और उनको दफ्तर से बाहर भगा दिया। हालांकि इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि ये छात्र जयपुर राजस्थान में नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लखनऊ प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे थे। तो बता दें, प्रियंका गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हुई हैं। उनसे मिलने के लिए ये अभ्यर्थी पहुंचे थे। हालांकि प्रियंका गांधी मीटिंग के बाद कार्यालय से बिना इन अभ्यर्थियों से मिले निकल गई थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों का आरोप है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनके साथ मारपीट की है और इन्हें वहां से जाने के लिए भी कहा। हालांकि मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं बता दें कि ये छात्र जयपुर राजस्थान में नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर लखनऊ प्रियंका गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। बता दें, प्रियंका गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची हुई है, इसीलिए इन तमाम छात्रों ने प्रियंका गांधी से मिलने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका गांधी बैठक के अपने कार्यालय से निकल गईं इन अभ्यर्थियों से बिना मिले हुए, जिसके बाद इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इनके साथ मारपीट की। हालांकि वीडियो भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से छात्र मांग कर रहे हैं प्रियंका गांधी से मिलने की।
कोरोना वायरस की लड़ाई में आने वाले 100 से 125 दिन भारत के लिए बहुत कठिन हैं। इन्हीं दिनों में न सिर्फ देश को दूसरी लहर से बाहर निकलना है बल्कि नई लहर को आने से भी रोकना है। इन दिनों के दौरान टीकाकरण को इस गति पर लेकर आना है कि अगर संक्रमण बढ़ता भी है तो ये ज्यादा गंभीर या फिर जानलेवा ना हो पाए। ये जानकारी देते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि अभी देश में 73 जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 47 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना की संक्रमण दर रोजाना 10% से ज्यादा मिल रही है। वहीं मणिपुर में 9, केरल में 8, राजस्थान में 6 और मेघालय मिजोरम में 5-5 जिलों में सबसे ज्यादा सैंपल कोरोना संक्रमित के पाए जा रहे हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि सरकार एक तरफ फार्मा कंपनियों का हर क्षेत्र में सहयोग करते हुए वैक्सीन उत्पादन बढ़ा रही है और दूसरी ओर टीकाकरण भी तेजी से करवा रही है। ये वक्त जनता, सरकार और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला हर कोरोना योद्धा राष्ट्रीय सम्मान के लायक है। तो बता दें, लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चेताया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर से यह आगाह किया है लोगों को कि आने वाले 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। हालांकि केरल, मणिपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले अभी भी 100 से ज्यादा आ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम निर्देश उन राज्यों को दिए हैं ताकि कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। गुजरात में लगातार हजारों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जन जागरूकता कार्यक्रम का 20वां दिन मनाया। आपकी टीम सुरेंद्र नगर जिले के चाचका गांव पहुंची थी, जहां आपकी टीम ने चाचका गांव में रामदेव पीर के मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर गांव के लोगों ने सभी का स्वागत किया। आप नेता इजदान भाई गढ़वी की उपस्थिति में जनसभा का आयोजन भी किया गया। साथ ही आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। बता दें, चचका गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित जनसंवेदना कार्यक्रम के तहत गांव कोरोना से मृतक को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो बता दें, आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना 20वां गुजरात में जारी आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय होती नजर आ रही है और लोग भी आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में बता दें चचका गांव में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस गांव में रामदेव पीर के मंदिर का दौरा भी उन्होंने किया था। इस मौके पर गांव के लोगों ने सभी का स्वागत किया और आप नेता इजान भाई गढ़वी की उपस्थिति में जनसभा का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए थे। साथ ही साथ चचका गांव में आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित जनसंवेदना कार्यक्रम के तहत गांव में कोरोना से मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के आवास और शहरी नियोजन विभाग ने एक मॉडल उपविधि जारी किया है, जिसमें विकास प्राधिकरण के मेन रोड पर बने मकानों की मरम्मत और रंगाई पुताई के लिए कहा गया है। अब राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर की तरह ही यूपी के बड़े शहर एक रंग में नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी कोड रंग निर्धारित नहीं हुआ है। इन शहरों के मेन रोड पर आने वाले मकानों के लिए मरम्मत, सफेदी, रंगाई और पेंट कराने का कार्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रंग योजना के तहत किया जाएगा। बता दें, विकास प्राधिकरण इन मकानों के मरम्मत का काम रोड की चौड़ाई की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए करेगी। साथ ही प्राधिकरण द्वारा ही मेन रोड को चिन्हित करके रंग योजना का निर्धारण भी किया जाएगा। इस बात की सूचना समाचार पत्रों की जानकारी में दी जा रही है। वहीं मकानों के लिए मरम्मत कार्य और रंग योजना और नाम पट्टिका के रंगों का एक रंग करना भी निर्धारित किया जाना है। बता दें, प्रदेश की रंग योजना के तहत अन्य कार्य जैसे कि मरम्मत, सफेदी और रंगाई का काम खुद मकान मालिक करेंगे। जो मकान मालिक इसको नहीं कर पाएंगे, उनके लिए प्राधिकरण अपने दिशा निर्देश ये कार्य कराएगी। तो बता दें, पिंक सिटी जयपुर की तरह यूपी में भी अब एक ही रंग से शहरों को रंगा जाएगा और ये इसमें मकानों की मरम्मत, उनकी रंगाई पुताई का काम प्राधिकरण के द्वारा कराया जाएगा।
देश के विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए नया बैच 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हो जाएगा। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट निर्देश भी दिया है कि 12वीं सीबीएसई बोर्ड और अन्य राज्य बोर्डों के परिणाम घोषित होने के बाद ही नए बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन द्वारा जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि 12वीं बोर्ड के नतीजे आने के बाद ही विश्वविद्यालय और कॉलेज एडमिशन प्रोसेस शुरू करेंगे। इसके साथ ही अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि साल 2021-22 के अंडर ग्रेजुएशन अकादमिक सत्र में दाखिला प्रक्रिया 12वीं बोर्ड रिजल्ट के बाद ही शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित किए जाने का ऐलान किया है और कई राज्य बोर्डों द्वारा भी इसी के आसपास 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बता दें 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होगा नया सत्र, यह ऐलान किया गया है और सीबीएसई या फिर अन्य राज्यों के 12वीं के रिजल्ट आने के बाद ही इन सत्रों को शुरू किया जाएगा और 1 अक्टूबर के बाद से इन्हें शुरू किया जाएगा। बता दें पिछले 1 से 1.5 साल से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सभी स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया है। यूजीसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को भी 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया जाएगा। बिहार में गर्मी और उमस के बढ़ने के बाद मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में एक बार फिर से बच्चों में होने वाली इन्फ्लाइटिस सिंड्रोम इंडेक्स ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अब तक मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले के एएस के लक्षण वाले कुल 41 बच्चे भर्ती हुए, जिसमें से 33 बच्चों को ईएस पाया गया है। एसकेएमसीएच के शीर्ष रोग विभाग अध्यक्ष जी एस सानी ने शनिवार को बताया कि शिशु वार्ड में 4 बच्चों का इलाज हो रहा है, जिसमें 3 में से ईएस की पुष्टि हुई है, जबकि 1 मरीज संदिग्ध है जिसकी जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। बता दें शुक्रवार तक इस साल इस बीमारी से एसकेएमसीएच में मुजफ्फरपुर और आसपास के 41 बच्चे भर्ती हुए हैं, जिनमें से 9 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में जैसे ही गर्मी और उमस बढ़ती है, वैसे ही बच्चे इस बीमारी की चपेट में आने लगते हैं। हर साल इस बीमारी से बच्चों की मौतें भी होती हैं। तो बता दें बिहार के मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाके में बच्चों में ये बीमारी देखने के लिए मिल रही है। गर्मी बढ़ने और उमस बढ़ने के बाद से ये मामले सामने आते हैं। हालांकि बीते कई साल से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और अब तक कई बच्चों की इस बीमारी की वजह से जान भी जा चुकी है। बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नाई मलाई ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी अलग अलग कोरनाडु राज्य का पक्ष में नहीं है और पार्टी ने राज्य के पश्चिमी जिलों के पार्टी नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा है, जिन्होंने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। बता दें बीजेपी नेता राज्य मुख्यालय कमलायाम में प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की थी। आपको बता दें कि अन्ना मलाई कर्नाटक केडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी की तमिलनाडु इकाई कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर मेकेदातु बांध के निर्माण का पूरी तरह से विरोध करती है और अगर नीट तमिलनाडु के छात्रों के लिए सामाजिक न्याय लाएगा और पार्टी राज्य के सभी गांवों में लोगों को इस बारे में समझाने के लिए प्रचार करेगी। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन जिन्हें मोदी मंत्रालय में शामिल किए जाने के बाद अन्नामलाई को तमिलनाडु के प्रमुख के रूप में पद दिया गया था और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि जो तमिलनाडु के प्रभारी हैं, इस अवसर पर अन्य नेताओं के साथ भी उपस्थित रहे। भारत में कोरोना वायरस के 38,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो शुक्रवार की तुलना में कम है। वहीं पिछले 24 घंटों में 560 लोगों की जान भी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मामले अब 4,24,025 हो गए हैं। वहीं रिकवरी रेट भी 97.31% पर पहुंच गया है। 16 जुलाई तक जांच किए गए नमूनों की संख्या भी
1000 से ज्यादा थी, जिसमें शुक्रवार को जांच में 19 लाख से ज्यादा नमूने शामिल हैं। बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल, जो कोविड से लड़ने पर केंद्र से टास्क फोर्स के सदस्य भी हैं, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि मामलों में गिरावट धीमी हो गई है। ये एक चेतावनी का संकेत है। भारत में कोविड के खिलाफ लड़ाई के लिए अगले 100 से 125 दिन बेहद महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक कोविड ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दूसरी लहर कम होने के बाद कई राज्यों ने सावधानी से प्रतिबंधों में ढील दी है। हालांकि देश तीसरी लहर की संभावना की तैयारी भी कर रहा है। तो बता दें, लगातार दूसरी लहर के बाद कोरोना के मामले देश में कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 38,000 मामले कोरोना के सामने आए हैं, जबकि 560 लोगों की कोरोना के चलते जान चली गई। भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक और संकेत देते हुए अमेरिकी नौसेना ने पहले 2 MH-60 और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंप दिए हैं। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा और भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मॉन्टिंग द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर्स खरीद रही है, जिनकी मानित कीमत बता दें 2 अरब डॉलर से ज्यादा है। सैन डिएगो को ये नौसेना हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड या फिर NAS नॉर्थ आइलैंड में शुक्रवार को हुए समारोह में अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे गए थे। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संघ की भी इस समय मौजूद रहे। संघ ने कहा कि सभी मौसमों में काम करने वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल होना भारत अमेरिका पक्षीय रक्षा संबंधों में काफी महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही हैं। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा व्यापार पिछले कुछ सालों में 20 अरब डॉलर से ज्यादा तक फैला है। रक्षा व्यापार के अलावा भारत और अमेरिका रक्षा मंचों में सह विकास पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। संघ ने हाल ही के समय में रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए धारण कदमों का जिक्र भी किया, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार ने 1754 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को व्यय करने की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य भवनों का निर्माण कराया जाएगा। बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय के एक और अधिकारी ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और दुष्टीकरण के लिए 1754 करोड़ रुपए के आंकलित व्यय पर 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र और 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कराए जाएंगे। इसके अलावा वैसे 86 प्रखंड जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है, उनमें भी उनके निर्माण और NAHM द्वारा निर्माण कराए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु मॉडल प्रोजेक्शन के लिए भी आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने T20 विश्व कप मुकाबलों के ग्रुप की घोषणा कर दी है। इस शुक्रवार को ओमान में ग्रुपों का निर्धारण किया गया। दिलचस्प बात यह है कि भारत अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ एक ही ग्रुप में है। दोनों सुपर 12 के ग्रुप में 2 में हैं। आखिरी बार दोनों टीमें 2019 के वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ी थीं, जिसमें भारत ने बाजी मारी थी। बता दें, कोरोना महामारी की वजह से T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच भारत की बजाय UAE और ओमान में खेला जाएगा। इसके बाद ओमान में हुए समारोह में ICC अधिकारियों के साथ ही BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने भी हिस्सा लिया। बता दें, T20 वर्ल्ड कप के मैच शेड्यूल अगले हफ्ते जारी किए जाने की भी संभावना है। वहीं टूर्नामेंट के पहले दौर में 8
क्वालिफाइंग टीमें भाग लेंगी जो ओमान और यूएई के खेला जाएगा। बता दें इसमें से चार टीमें सुपर 12 दौरे पर भी पहुंचेंगी। प्रारंभिक दौर में 8 टीमों में बांग्लादेश, श्रीलंका, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, नाम्बिया, ओमान और पपुआ न्यू गिनी शामिल है। बता दें टूर्नामेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा और आगे भी टूर्नामेंट 2016 के बाद पहला T20 विश्व कप होगा। वहीं पिछली बार वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हरा कर खिताब जीता था। साथ ही भारत ने सुपर 10 के ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी थी। वहीं सेमीफाइनल में भारत को विंडीज के हाथों 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि देश में 12 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए जल्द ही जायडस कोडिला की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही केंद्र ने कोर्ट को बताया कि ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद बच्चों के टीकाकरण को लेकर पॉलिसी तैयार कर ली जाएगी। एडिशनल सॉलिटरी जनरल चेतन शर्मा ने चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की डिवीजन बेंच को बताया कि जायडस कैडिला ने से 12 से 18 साल के बच्चों के लिए अपनी वैक्सीन जायकोव डी का ट्रायल पूरा कर लिया है। इसके साथ ही हाई उन्होंने कोर्ट में कहा कि दाखिल एक हलफनामे में उन्होंने कहा कि वैधानिक प्रावधानों के बाद ये वैक्सीन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही हाईकोर्ट में उन्होंने बताया कि DCGI ने कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक को 2 से 18 साल की आयु वर्ग के लिए वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति भी दे दी है। कोर्ट में दाखिल एक याचिका के जवाब में केंद्र ने यह हलफनामा दाखिल किया है। बता दें डिवीजन बेंच ने कहा कि पूरा देश बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर इंतजार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 6 सितंबर को होगी। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी सुहास लालिकनाकेरे यतिराज भी टोक्यो में खेलते हुए नजर आएंगे। बता दें वर्तमान में दुनिया में नंबर 3 खिलाड़ी सुहास को पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा सुहास को पैरा ओलंपिक के लिए चयन किया गया है। बता दें पैरा ओलंपिक का आयोजन टोक्यो ओलंपिक और गेम्स खत्म होने के तुरंत बाद अगले महीने जापान की राजधानी में होगा। बता दें BWF ने विश्व रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर BAI और PCI इंडिया को आमंत्रण भेजा है। 2007 बेंच के IAS अधिकारी सुहास इस समय गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी हैं। पिछले साल मार्च में सुहास को नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया था। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास बैडमिंटन के तेज तर्रार खिलाड़ी भी हैं। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खासी कामयाबी भी हासिल की हुई है। बता दें साल 2016 में चीन में आयोजित की गई एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। ये काफी कठिन है और उसके लिए जो